हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम देखेंगे मेंस लेवल का पजल। तो अगर आपको आता है मेंस लेवल का पजल तो ये पजल सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितने टाइम में किया आपने। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पजल्स करते हैं। पजल हमारा तो हम पहले इन्फॉर्मेशन जो दिया है वो हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो क्या दिया है हमको इन्फॉर्मेशन? सिक्स बुक्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक हो गया, द कॉस्ट ऑफ लिविंग सेकेंड, वॉर टॉक, पावर पॉलिटिक्स, रिवोल्यूशन 2020 एंड व्हाट यंग इंडिया वांट्स। ये छह बुक हो गए। आर टू बी रेड फ्रॉम 2 फरवरी टू 8 फरवरी, 2 से 8 फरवरी जो ये डेट है हमारा 2 फरवरी टू 8 फरवरी, इस दिन ये पढ़ा गया है और वो छह बुक्स पढ़े गए हैं। ओके, विद संडे बीइंग एन ऑफ डे, विद संडे बीइंग एन ऑफ डे और संडे के दिन ऑफ है। ओके, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ईच ऑफ द बुक्स हैज डिफरेंट पेजेस, 110, 110, 115, 120, 125, 130, 135 ये पेजेस ऑफ बुक्स हैं, यानी कि एक जो बुक है उसके अंदर इतने पेजेस हैं। अगेन नॉट इन द सेम ऑर्डर। ओके, अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। अब इंफॉर्मेशन जब हमने पढ़ लिया तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि ये सर्कल बेस्ड है, ट्रायंगुलर बेस्ड है या कॉलम बेस्ड है। तो हमें ये लग रहा है कि 2 से 8 जो डेट है यहाँ पे वो फिक्स है, हमें बुक्स फिक्स नहीं पता है, सेम ऑर्डर में नहीं है। उसके बाद जो पेजेस है वो फिक्स नहीं पता है, जो हमें फिक्स पता है जो भी वेरिएबल उसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो हमें फिक्स कौन सा पता है यहाँ पे? जो डेट है सेकेंड, थर्ड, सेकेंड बट 2 के बाद तो 3 ही आएगा ना डेट, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। तो ये डेट हमें फिक्स दिया है इसलिए हम लोग पहले जो फिक्स है उसको पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा डेट है वो फिक्स है तो मैं यहाँ पे डेट को पुट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं बना देती हूँ डेट, कॉलम बनाना है मुझे। फिर उसके बाद डेज की बात हो गई है, संडे, मंडे, वेडनेसडे, तो मैं यहाँ पे डेज, यहाँ पे बोला है ना संडे, संडे है इसका मतलब डेज भी यहाँ पे काउंट होंगे, तो मैं यहाँ पे उसको कर लूंगी डेज। फिर उसके बाद मैं लिख लूंगी यहाँ पे कि बुक कौन सा पढ़ा है। फिर उसके बाद मैं लिख लूंगी उसके पेजेस, यानी कि हमारे कितने वेरिएबल हो गए, 1, 2, 3, 4, 4 वेरिएबल का ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो अब हम डेट हमारा फिक्स है तो मैं डेट को यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4, 5, 6, 7 एंड 8 फरवरी। लास्ट तक आ रहा है पूरा, दिख रहा है 8 आ रहा है पूरा, ये पूरा आ रहा है ना। ओके, तो हमने ये डेट लिख ली है। अब इसको मैं अलग कर लेती हूँ ताकि मुझे खिचड़ी खिचड़ी नहीं चाहिए, मुझे क्लियर, नीट एंड क्लियर चाहिए। तो मैं इसको अलग कर लेती हूँ, इसको अलग से मैंने ड्रॉ कर लिया ताकि दोनों एक में मिक्स ना हो पाए। तो ये हमने डेट यहाँ पे फिक्स कर लिए, उसको मैंने जो डायग्राम बनता है ये मेरा मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इसको मुझे फिल करना है, ये जो अब ये जो मेरा डायग्राम है इसको मुझे फिल करना है। ओके, यहाँ पे डेट फिक्स था तो मैंने डेट फिक्स कर दिया। उसके बाद जो डायरेक्ट डायरेक्ट मिलेगा हम पजल्स में वही करते हैं, इसमें भी वही करेंगे। जो मुझे डायरेक्ट पर जो भी मुझे डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट दिया रहेगा तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी, जो मुझे इनडायरेक्ट दिया रहेगा यहाँ पे लिख लूंगी। अगर और एक पॉसिबिलिटी बनी तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लूंगी, यहाँ पे एक कॉलम ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी। तो फिलहाल तो मैं एक ही पॉसिबिलिटी लेके चल रही हूँ, यही देखते हैं, अगर पॉसिबिलिटी बनी तो मुझे यहाँ पे प्लेस है, मैं बना लूंगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट हमारा पढ़ना। यहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन पढ़ा, उतने इन्फॉर्मेशन हमको इतना ड्रॉ मिला, हमको लगा कि ये क्वेश्चन ऐसे बनने वाला है तो वो मुझे ड्रॉ मिल गया, उसका स्ट्रक्चर मुझे पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन बनना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने उसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम स्टेटमेंट की तरह जाएंगे, स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते इसको फिल करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट होगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। 8 फरवरी इज नॉट संडे, 8 फरवरी कहाँ पे? यहाँ पे है, तो यहाँ ये संडे का दिन नहीं है तो मैं यहाँ पे संडे करके ऐसे क्रॉस कर दूंगी, SUN संडे अगर मैं कर दूंगी यहाँ पे तो उसको क्रॉस कर दूंगी। ओके, संडे नहीं है तो मैंने क्रॉस कर दिया। एंड द बुक ऑफ 110 पेजेस इज रेड और रीड ऑन दैट डे, यानी कि उस दिन कौन सा बुक पढ़ा है जिसका पेज 110 पेजेस का जो बुक है, क्या बोला है? 8 फरवरी इज नॉट संडे, 8 फरवरी इज नॉट संडे एंड द बुक ऑफ 110 पेजेस इज रेड ऑन दैट डे, यानी कि इस दिन, यानी कि 1 तारीख की बात की गई है। ऑन दैट डे यानी कि किसके बारे में बोल रही है? पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस है आपको समझना पड़ेगा कि किसके बारे में बोल रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो पजल सॉल्व करना कुछ बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर रेड ऑन दैट डे ये कंसिडर करता है 8 को, यानी कि इस दिन की बात कर रही है, यानी कि 110 जो पेज का बुक है उतने पेज का जो बुक है इस दिन पढ़ा गया है। तो यहाँ पे पेजेस हमको मिल गए तो मैंने इसको पेजेस का जो यहाँ पे जगह है वो उसको मैंने फिल कर लिया कि 110 वाला जो पेजेस है वो 8 तारीख को पढ़ा गया है। ये जो स्टेटमेंट है इसके द्वारा हमको ये कंक्लूजन मिला, तो ये मैंने लिख लिया। ओके, नेक्स्ट, द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग,
इज लेस देन 120 पेजेस. एक भी लाइन अगर छूट गया तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन आप कंडीशन नोट कीजिएगा. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये जो बुक है, इज लेस देन 120 पेजेस. ओके, ये 120 से भी कम का पेजेस है. अब हम जब देखते हैं कि हमको कौन कौन से पेजेस थे, देखिए 110 थे, 115, 120, 125. अब क्या बोला कि 120 से भी लेस देन है ना, यानी कि 120 से भी उसके पेजेस कम है, तो उसके पेजेस कितने होंगे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के? या तो 110 वाला होगा या तो 115 वाला होगा. या तो 110 होगा या तो 115 होगा. मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग. गॉड ऑफ स्मॉल जो ये बुक है, इसका पेजेस कितना होगा? या तो 110 होगा या तो 115 होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि उसका जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज लेस देन 120 पेजेस. 120 से भी कम है ना, तो 120 में कम में ये तो 25 30 ये सब ज्यादा है. 110 और 115 ही जो है जो कि 120 से कम है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 110 115. ये दोनों में से इतने इसके पेजेस कौन सा भी, अगर 110 आ गया तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग यहाँ पे आ जाएगा, 115 आ गया तो उसकी प्लेसिंग अलग हो जाएगी. ओके, यहाँ तक मैंने देख लिया, यहाँ तक पेजेस. एंड क्या बोला है? एंड ये तक हो गया. गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की बात कर रहा है. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज लेस देन 120 पेजेस एंड इज रीड इमीडिएटली बिफोर द बुक रेवोल्यूशन 2020. देखिए 120 पेजेस से कम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का, और इमीडिएटली बिफोर, इमीडिएटली पहले पढ़ा गया है किसके? रिवोल्यूशन 2020 के. देखिए मैं स्टेटमेंट आपको समझाने जा रही हूँ. ये जो रिवोल्यूशन 2020 है, इसके इमीडिएटली बिफोर पढ़ा है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग. इसका कहने का मतलब है क्या? इमीडिएटली बिफोर बोला है. बिफोर यानी कि पहले, और इमीडिएटली यानी कि तुरंत पहले. पहले मतलब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ, यहाँ पहले तो ये कुछ भी हो सकता है. इमीडिएटली पहले यानी कि उसके इमीडिएट पहले आ सकता है. ओके, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग रिवोल्यूशन रेड इमीडिएटली बिफोर बुक रिवोल्यूशन 2020, यानी कि रिवोल्यूशन 2020 ये जो बुक है इसके इमीडिएटली पहले गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पढ़ा गया है. अब इससे हमको एक पता चलता है, हमें क्या पता चलता है? देखिए अगर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अगर 110 पेजेस का होता, मैं यहीं पे क्लियर कर रही हूँ, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अगर 110 पेजेस का होता तो 110 पेजेस हमने यहाँ पे मेंशन किया है. तो यहाँ पे अगर 110 पेजेस है ना, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की बुक, चलो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, तो क्या इसके नीचे रिवोल्यूशन 2020 आता? नहीं आता, क्योंकि हमारा तो डेट 8 तक था ही ना, इसके बाद कैसे आएगा? जबकि बोला है कि रिवोल्यूशन के इमीडिएट पहले गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आएगा. यानी कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 110 का नहीं 115 का होगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कंडीशन को यूज कर रही हूँ. अगर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग हमको एक कंडीशन के द्वारा मिलते हैं 120 से कम है, 110 हो सकता है, 115 हो सकता है. अगर 110 यहाँ पे मैंने पुट किया है इस कंडीशन के हिसाब से, अगर 110 अगर होता गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में, अगर पेजेस 110 होते तो वो यहाँ पे आ जाता. और दूसरी कंडीशन के हिसाब से गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के बाद, इमीडिएटली बाद बोलो या फिर रिवोल्यूशन के इमीडिएट पहले बोलो, तो ये ऊपर नीचे यानी कि रिवोल्यूशन उसके नीचे 2020 आना चाहिए, लेकिन इसके नीचे रिवोल्यूशन नहीं आ पाएगा क्योंकि डेट तो हमको खाली 8 तक है, तो 2020 नहीं होगा. इसका मतलब ये 110 यहाँ पे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नहीं आएगा. इसका मतलब इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का जो पेजेस है वो क्या आएगा? 115 पेजेस आएंगे. ये क्लियर हो गया इससे? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के 115 पेजेस आएंगे और उसके जस्ट नीचे रिवोल्यूशन 2020 आएगा. यानी कि इसको यहाँ पे मैंने वही लिखा है ना, और इसके नीचे रिवोल्यूशन है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ. एक कंडीशन से हमने एक कंडीशन मिटा दिया और दूसरा उसको ये कर लिया, ठीक है. ओके, रिवोल्यूशन 2020 ये तक हो गया हमारा. फिर उसके बाद देयर आर टू बुक्स रीड बिटवीन बुक्स व्हाट यंग इंडिया वांट्स. देयर आर टू बुक्स रीड किए गए, दो बुक्स रीड किए. यहाँ पे डे की बात नहीं होगी क्योंकि संडे ये एक हॉलीडे है, तो उसको बीच में थोड़ा सा इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. अब मैं बताऊंगी आपको कैसे करते हैं वो. देयर आर टू बुक्स रीड किए गए हैं. रीड बिटवीन बुक व्हाट यंग इंडिया वांट्स व्हिच इज ऑफ 135, which is किसको इंडिकेट कर रहा है? ये जो what, इसका मतलब है कि ये जो what young India wants, ये बुक है वो 135 पेजेस का है. टू बुक्स रीड बिटवीन what young India wants, which is of 135. तो what young India कितने का है? what young India 135 पेजेस का है. ये 135 पेजेस का है. 135 पेजेस. एंड बुक war talk इज ऑफ 120 पेजेस. और जो war talk है 120 पेजेस का है.
ओके okay. और इसके बीच में दो बुक्स पढ़े गए जो व्हाट यंग इंडिया कमीशन, व्हाट यंग इंडिया वांट्स है और वॉर टॉक है, इसके बीच में दो बुक्स पढ़े गए हैं और उनके पेजेस भी हमको यहाँ पे दे दिए गए हैं। देखिए देयर आर टू बुक्स रेड बिटवीन व्हाट यंग इंडिया वांट्स व्हिच इज ऑफ 135 पेजेस एंड बुक वॉर टॉक इज ऑफ 120 पेजेस। तो यहाँ पे ये दिया गया है, तो यहाँ पे इसके बीच में दो पर्सन बैठे हैं तो मैं इसको यहाँ यहाँ कर दूंगी, पता नहीं है ये ऊपर आएगा या फिर ये नीचे आएगा, ये हमें कुछ नहीं पता है, तो मैं खाली ये प्लेसिंग यहाँ पे कर लिया मैंने, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो वॉट यंग इंडिया और ऐसे ऐसे करके वॉर टॉप, दो हो गया, दो प्लेसिंग हो गई, जैसे आपको लगे ठीक लगे वैसे आप उसको कंडीशन को नोट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ तक हो गया, उसके बाद बुक्स रिवोल्यूशन 2020 इज रेड बिफोर संडे, क्या बोला है, बुक्स रिवोल्यूशन 2020 ये जो बुक है इज रेड बिफोर संडे, यानी कि ये संडे के पहले पढ़ा गया है, तो संडे नीचे आएगा ना, जब संडे ऐसे आ जाएगा, संडे के पहले पढ़ा यानी कि ऐसा आ गया, ओके। एंड देयर आर टू डेज, अब डे की बात की गई है, टू डेज की बात की गई, देयर आर टू डेज बिटवीन संडे एंड बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ओके। अब संडे और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के बीच में दो दिन की बात की गई है, दो दिन कब है, दो दिन कैसा हो जाएगा, ये देखिए गॉड ऑफ स्मॉल यहाँ जाएगा, ये एक दिन, ये दो दिन और ये आ जाएगा हमारा संडे, ऐसा हो जाएगा, ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग यहाँ पे एक दिन, यहाँ पे एक दिन और ये संडे, जैसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग क्या है, संडे के ऊपर है, यहाँ पे बोला गया था बिफोर संडे, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया गया था यहाँ पे कि संडे के पहले पढ़ा गया है वो, देखिए यहाँ पे लेस देन, ये जो कंडीशन नोट किया है हमने कि रिवोल्यूशन के पहले गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है, यहाँ पे इमीडिएटली बिफोर बुक रिवोल्यूशन 2020 गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये पढ़ा गया है, और जो रिवोल्यूशन 2020 है ये संडे के पहले आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया रिवोल्यूशन 2020 इज रेड बिफोर संडे, ये जो रिवोल्यूशन 2020 है ये संडे के पहले पढ़ा गया, बिफोर संडे, एंड देयर आर टू डेज बिटवीन संडे एंड द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, टू डेज की बात की गई है, तो टू डेज की बात की गई है, तो ये वन डे और ये टू डेज की बात की गई है, तो ये वन डे और ये सेकेंड डे, यानी कि दो डे यहाँ पे हो गए, यानी कि दो डेज है, यानी कि ये संडे आएगा और ऊपर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग आएगा, और उसके इमीडिएट नीचे या फिर इमीडिएट बोला गया, एक मिनट ना मैं इसको क्लियरिफाई करती हूँ, एक मिनट, एंड देयर आर टू डेज बिटवीन संडे एंड द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ओके। बुक पावर पॉलिटिक्स विच इज ऑफ 125, अब पावर पॉलिटिक्स भी कितने का है, 125 का है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ पावर पॉलिटिक्स, ये 125 पेजेस का है, 125 pages of 125 is not read on 2nd February, यानी कि ये जो 2nd February है यहाँ पे 125 pages नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे power politics नहीं आएगा, इसको मैंने cross कर दिया है बस, 125 pages not read on 2nd February, the book read on Saturday is of 135 pages, अब Saturday को 135 pages पढ़ा गया, Saturday को कौन सा book है, ये वाला 135 pages कौन सा है, What Young India है, तो 135 व्हाट यंग इंडिया 135 पेजेस का है और वो सैटरडे को नहीं पढ़ा है, अभी सैटरडे को मैं इसको ऐसे करती हूँ यहाँ पे, ये सैटरडे को नहीं पढ़ा है, ऐसे मैं क्रॉस कर दिया उसको, इज रेड ऑन द बुक, पढ़ा गया है एक्चुअली, नहीं पढ़ा है ऐसे नहीं बोला है, नेगेटिव में नहीं बोला है कि पढ़ा गया है, ऐसे बोला गया है, ओके। द बुक रीड ऑन सैटरडे इज ऑफ 135 पेजेस, यानी कि ये बुक जो है ये सैटरडे को पढ़ा गया है, अब सैटरडे हो गया, सैटरडे के बाद संडे आ जाता है, अगर मैं यहाँ से काम करती हूँ संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, व्हाट यंग इंडिया जो है 135 को है और वो सैटरडे को पढ़ा गया है, वो अभी हमें कुछ नहीं पता है कि कब कौन सी सिचुएशन को हमें पुट करना है, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी, अब मैंने कंडीशन तो इतना लिख लिया है, अब इसको स्टार्ट कैसे करूंगी, कौन से क्लू से, यहाँ तक तो हमारा हो चुका है, इसके आगे मुझे अभी कंडीशन को अप्लाई करना है, सूट करना है, अब यहाँ तक मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं मिला है, केवल 110 है जो मैंने यहाँ पे फिल किया है, उसके अलावा मुझे कुछ भी ऐसा क्लू नहीं मिला है। अब नंबर ऑफ पेजेस की जब बात की गई है, देखिए 110 का तो हमें पता नहीं कि कौन सा बुक है, 115 का बुक हमें पता चल गया, 115 जो है ये वो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का है, ओके। 120 का पता चला हमें, 120 वॉर टॉक है, देखिए यहाँ पे पेजेस दिए ना, उसके हिसाब से मैं बुक देखती हूँ कि क्या हमने पूरा फिक्स कर लिया है। 110 यहाँ पे है, यहाँ पे बुक्स कौन सा है हमें नहीं पता है। 115 का कौन सा बुक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। 120 का कौन सा बुक है, वॉर टॉक। 125 का कौन सा बुक है, पावर पॉलिटिक्स, मैंने मेंशन किया यहाँ पे। 130 का कौन सा बुक है,
130 नहीं पता है, 135 का कौन सा बुक है, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, ये 135 का है। अब केवल दो बुक बचे हैं, एक तो 110 का बचा है और दूसरा 120 का बचा है। ओके, अब रिवॉल्यूशन 2020 ये एक बुक रह गया, और एक कौन सा बुक रह गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग बुक और रिवॉल्यूशन 2020, ये दो बुक रह गए खाली। कौन कौन से रह गए, या तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, उसके बाद रिवॉल्यूशन, ये दो जो बुक है इसको फिल करना है। इसमें से 110 और 120 का जो है इन दोनों में से आएगा, या तो 110 ये 120, इन दोनों में से कोई तो 110 होगा, कोई तो 120, 120 नहीं 120, 125, 115 हो गया है, 130 बचा रह गया ना हमारा, तो 130, एक 110 का होगा, एक 130 का होगा। दूसरे बुक्स के पेजेस हमको मिल गए हैं, बस ये दो बुक्स हैं जिनके पेजेस हमें पता करने हैं। अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग को अगर मैं 110 लेती हूँ, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ आना चाहिए, ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ आना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग से तो मुझे कुछ पता नहीं चलने वाला, तो मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं लेती हूँ, मैं रिवॉल्यूशन वाला लेती हूँ। ओके, ये रिवॉल्यूशन, मैं सोचती हूँ कि रिवॉल्यूशन 110 का है, अगर मैं ऐसे सोचती हूँ, कंडीशन में लेती हूँ कि जो रिवॉल्यूशन है वो 110 वाला है, तो मुझे रिवॉल्यूशन यहाँ पे लिखना पड़ता। अगर मैं सोचती हूँ ऐसा कि रिवॉल्यूशन 110 पेजेस का रिवॉल्यूशन है, मैं ये कंडीशन अप्लाई करती हूँ, अगर मैं ये रिवॉल्यूशन अप्लाई करती हूँ ये वाला कंडीशन, तो रिवॉल्यूशन मुझे यहाँ लिखना पड़ता। अगर मुझे रिवॉल्यूशन यहाँ लिखना पड़ता तो रिवॉल्यूशन के बाद में 110 ये आएगा ना, संडे यहाँ पे बोला गया ना, संडे रिवॉल्यूशन के बाद में है संडे, संडे के पहले रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे तो मैं संडे लिख ही नहीं सकती, इसलिए रिवॉल्यूशन 110 का नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा, जब रिवॉल्यूशन 110 का नहीं आएगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये जो बुक है ये हमको 110 का मिल गया, तो 130 का कौन सा आ जाएगा, रिवॉल्यूशन, ये 130 का मिल गया, यानी कि अब हमको सारे बुक्स के जो पेजेस है वो हमको पता चल गए। इसको मिटा देती हूँ मैं, इसका काम हो गया। ओके, अब यहाँ पे तो संडे होने से रहा, यहाँ पे संडे नहीं है ये हमें पता चला, और कॉस्ट ऑफ लिविंग मिल गया है, और हमें कोई भी बुक्स और कुछ हमको नहीं पता है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब ये देश क्या है हमें नहीं पता, यहाँ पे संडे नहीं आएगा ये बोला गया है खाली। ओके, एक लेना पड़ेगा, अब मैं कौन सा कंडीशन ले लूंगी, कंडीशन मुझे ये उठाना पड़ेगा, क्यों उठाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि संडे नीचे आएगा, और संडे दो दिन का गैप छोड़ने के बाद गॉड ऑफ स्मॉल थिंग आएगा, तो मैं संडे देखिए यहाँ पे तो इसे यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है ना, इसलिए मैं, और मैं इसी कंडीशन को क्यों लूंगी, क्योंकि संडे के हिसाब से मुझे, देखिए संडे के ऊपर गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मुझे ये कंडीशन मिल जाएगा, इसके हिसाब से मुझे रिवॉल्यूशन 2020 इसके जो तुरंत नीचे है, ये जो कंडीशन में बोला कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के तुरंत नीचे रिवॉल्यूशन है, तो मुझे वो भी मिल जाएगा, तो मैं इस वाले जो स्टेटमेंट है, इस वाला कंडीशन उसको उठाती हूँ। अगर मैं उसको पिक करती हूँ तो मुझे संडे, अगर मैं यहाँ पे तो संडे दिख नहीं सकती, चलो मैं सोचती हूँ कि संडे यहाँ पे है, ठीक है, अब हम फटाफट कंडीशन चेक करते हैं, देखते हैं। संडे अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे है, तो इसके हिसाब से दो दिन का गैप छोड़ के मुझे गॉड ऑफ लेना पड़ेगा, एक दो दिन का गैप छोड़ के, देखिए बुक में लिखिएगा, पेज का पेज के में लिखिएगा, ऐसे कंफ्यूजन मत कीजिएगा, एक यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा जंबल हो जाता है वो, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग यहाँ आ गया। ओके, संडे दो दिन का गैप छोड़ के गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये कंडीशन हमारी हो गई। ओके, अब इसमें आते हैं हम लोग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 115 का है, 115 लिख दिया मैंने यहाँ पे, उसके तुरंत बाद, अब यहाँ ये संडे है ना, तो संडे के पहले क्या आता है, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे, संडे के पहले क्या आ जाएगा, सैटरडे, अभी हमको उल्टी गिनती करनी है, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, ऐसा आना चाहिए ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, चलो ये डे मैंने फिक्स कर दिए। यहाँ पे अभी जैसे संडे की मैंने वैल्यू पुट कही, संडे का जब मैंने प्लेस यहाँ पे किया तो मुझे ये सब मिल गया, अब देखते हैं अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे संडे को यहाँ करके देखना पड़ेगा, ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, मैं यहाँ तुरंत यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बना सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं अभी इसी में चेक करना पड़ेगा मुझे, लेकिन आप एग्जामिनेशन में दो पॉसिबिलिटी साथ में लेके आप मर्ज एक साथ में चलती, मतलब एक साथ में सॉल्व कीजिएगा उसको। तो यहाँ पे संडे लेके मैं चल रही हूँ, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 115 का है, उसके नीचे जस्ट नीचे रिवॉल्यूशन 2020 है, तो रिवॉल्यूशन मैं यहाँ कर दूंगी, और यहाँ पे ये संडे है यानी कि ये ऑफ डे आएगा, यहाँ पे उस दिन छुट्टी रहेगी, तो रिवॉल्यूशन 2020 कितने का है, ये 130 पेजेस का है, तो मैंने ये लिख लिया। ओके, ये कंडीशन हो गई हमारी, ये कंडीशन हो गई, इतना हो गया, ऊपर का एक बचा है। ओके,
अब ऊपर का एक बचा है, अब क्या बोला गया है कि वॉट यंग इंडिया और वॉट ऑफ, ये दोनों के बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 दिन का गैप है, अब एक तो यहाँ आएगा एक तो यहाँ आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि यही दो, अगर मैं एक यहाँ पे लेती हूँ तो 2 दिन छोड़ के यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे लेती हूँ तो 2 दिन छोड़ के यहाँ पे आएगा, या तो वॉट यंग इंडिया एक पे आएगा या तो वॉट ऑफ यहाँ आएगा, मतलब दोनों दोनों की प्लेसिंग यहीं पे। बचा कौन सा? पावर पॉलिटिक्स। तो पावर पॉलिटिक्स एक बचा, अगर ये दो जगह यहाँ भर गई तो पावर पॉलिटिक्स यहाँ पे आएगा, और पावर पॉलिटिक्स 125 पेजेस का, लेकिन यहाँ पे तो बोला है कि 125 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जो हमने संडे को प्लेस किया था वो हमारा पूरा प्लेस हमारा क्या है, रॉन्ग है, यानी कि संडे की प्लेसिंग वहां पे नहीं होगी। तो मैं इसको भी पूरा रख कर देती हूँ फटाफट। ओके, ये सब मेरा ओके। अब मुझे संडे के लिए अलग से डे लेना पड़ेगा। संडे मैंने यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि क्रॉस किया, यहाँ पे लिया था। अब मैं संडे को यहाँ पे अज्यूम करके देखती हूँ कि यहाँ पे संडे, संडे अगर ये रहा तो ये तो ऑफ आ जाएगा हमारा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारा मंडे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्यूसडे। अगर ये भी काम नहीं किया तो फिर मुझे संडे यहाँ लेना पड़ेगा। ओके, ट्यूसडे मंडे संडे, फिर यहाँ पे आएगा सैटरडे, यहाँ पे आएगा फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये हमारा हो गया। ओके, जैसे हमने बोला था कि संडे के पहले 2 दिन के बाद, 2 दिन के पहले गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है, तो संडे हमने यहाँ पे पुट किया, तो 1-2 दिन छोड़ के हमारा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 115 पेजेस का है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके तुरंत बाद रिवोल्यूशन 2020 है तो रिवोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो रिवोल्यूशन यहाँ पे लिखने के बाद वो 130 पेजेस का है, तो ये मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया। ये इतना पूरा हमने कर लिया, इतना पूरा हमने कर लिया। ओके, अब उसको क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि ये भी फिक्स नहीं है हमारा। ओके, अब हमें ये वाला बचता है, व्हाट यंग इंडिया एंड व्हाट ऑफ के बीच में 2 है। देखिए यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 का गैप है, तो मुझे ये 2 आएंगे। यहाँ पे व्हाट यंग इंडिया आएगा या फिर वॉर टॉक आएगा, यहाँ पे व्हाट यंग इंडिया एंड वॉर टॉक यहाँ पे आना चाहिए। ओके, अब बचा एक जो है पावर पॉलिटिक्स, तो उसके लिए कौन सा प्लेस है? यहाँ पे प्लेस है उसके लिए, तो ये जो पावर पॉलिटिक्स है वो हमारा यहाँ पे आएगा। उसका पेजेस कितना है? 125, तो मैं इसको लिख दूंगी यहाँ पे 125। पावर पॉलिटिक्स जो है हमारा 125 पेजेस का है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब इन दोनों में से मुझे यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो वॉट यंग इंडिया वॉर टॉक, अब इन दोनों के बीच में ये सैटरडे को है ये बोला गया है। देखिए वॉट यंग इंडिया ये 135 पेजेस का है और ये सैटरडे को है ये दिया गया, तो सैटरडे यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी कि वॉट यंग इंडिया जो बुक है पूरा वो यहाँ पे आ गया और वो 135 पेजेस का है, तो ये सैटरडे को था, तो सैटरडे की प्लेस में मैंने यहाँ लिख लिया। अब वॉट टॉक जो एक बुक बचा रह गया वो मैं यहाँ पे लिख लूंगी, और वो कितने पेजेस का है? 120 पेजेस का है। तो पेजेस मिल गए, बुक्स के नाम मिल गए, हमारे डेज मिल गए, हमको डेट भी मिल गया, ये हमारा फिक्स था। इसके हिसाब से जो भी वेरिएबल फिक्स रहेगा उसको बेस पकड़ते हुए, उसका आधार लेते हुए हम पूरे पजल्स को सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बिल्कुल भी फ्री है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। सो प्लीज कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।